हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी है दाल की दुल्हन की। फेमस रेसिपी है यूपी बिहार की, बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। एक कंप्लीट फूड है, इसमें दाल भी है साथ में रोटी भी है। आप इसे बस बनाएं, उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू कुक्स पे। एक कप दाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मिक्स दाल है ये। इसमें पांच तरह के दाल मिक्स है, आप अपने पसंद की कोई भी दाल मिक्स करके बना सकते हैं। दाल को मैंने धोकर इसे आधे घंटे तक पानी में भिंगो कर रख लिया था, ऐसा करने से दाल जल्दी पकता है। कुकर में हमें सीटी लगा लेना है, दाल डालेंगे, एक गिलास पानी डालना है, नमक स्वाद के अनुसार, एक चौथाई टेबल स्पून हल्दी पाउडर और एक चौथाई टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। दो से तीन सीटी हमें पका लेना है, दाल 90% पक जाना चाहिए, बस हल्का सा कच्चा रहना चाहिए। आटा यहाँ पे गूंदा हुआ है, नॉर्मल मैंने आटा गूंद कर तैयार किया हुआ है, गेहूं का आटा है। जैसे रोटी के लिए डो तैयार करते हैं वैसे ही है, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। पूड़ी के साइज की हमें लोई काट कर तैयार कर लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी। दाल की दुल्हन में दाल तो पकने लगी है, अब दुल्हन तैयार कर लेते हैं। दुल्हन मतलब कि टिकियाँ। तो टिकियाँ के लिए मैंने यहाँ पे लोई बना ली है छोटी छोटी, जितना पूड़ी के लिए बनाते हैं। पूड़ी जैसा ही हमें बेल लेना है छोटा छोटा। स्टार्टिंग में हमें टिक्कियों को छोटा और पतला रखना है, क्योंकि दाल में पकने के बाद टिक्कियाँ आटे की बनी हुई है तो फूलेंगे भी और बड़ी भी होंगी, इसीलिए स्टार्टिंग में ही बड़ा नहीं करें, नहीं तो पकने के बाद और बड़ा और मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पूड़ी के साइज़ की बना रही हूँ टिक्कियाँ, एकदम छोटी सी। दो शेप की बनती है, एक तो तिकोनी, ऐसे तीन साइड से उठाएं और एक जगह चिपका दें, ये तिकोनी टिक्की बनकर तैयार हो गई। और एक चार कोने वाली होती है, जिसे चार कोने से उठाकर एक जगह चिपका दिया जाता है, वो भी मैं यहाँ पे बनाकर दिखा दे रही हूँ। ऐसे ही आपको पूड़ी बनाना है, पूड़ी एकदम पतला होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं चार कोनों वाली भी बनाकर दिखा रही हूँ, कैसे मैंने यहाँ पे चार कोनों से उठाया और एक जगह पे चिपका दिया, चार कोने वाली टिक्की तैयार है। बहुत आसान है बनाना, तीन कोने से उठाएं, एक जगह चिपकाएं, तीन कोनी, चार कोने से उठाएं, एक जगह चिपकाएं, चार कोनी। टिक्कियाँ सारी हमें बनाकर तैयार कर लेनी है, दाल भी पक चुका है। या तो आप दाल को कुकर में ही पकने दें, उसी में टिक्कियाँ डाल दें, या फिर किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि अच्छे से दिखे, इसीलिए मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। दाल यहाँ पे 90% पक चुका है, मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से पक चुका है, बस गला नहीं है, अच्छे से मिला नहीं है, पानी अलग है और दाल अलग है। हमें इतना ही पका हुआ दाल चाहिए, 10 मिनट ही हमें और इसे पकाना है, ताकि जो दाल और पानी अलग है 10 मिनट में ही एक साथ मिल जाएगा और टिक्कियों को भी पकने का टाइम मिल जाएगा। उबाल आ चुका है, थोड़ा सा मैं करछी की हेल्प से दाल को मैश कर दे रही हूँ। अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें टिक्कियों को डालेंगे। टिक्कियाँ मैंने यहाँ पे छोटी बनाई है, मीडियम साइज़ की, और पतली बनाई है, तो 10 मिनट काफ़ी है पकाने के लिए। अगर आप मोटी या फिर बड़ी बना रहे हैं तो 15 मिनट पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं, नहीं तो उससे टिक्कियाँ टूट जाएंगी पूरा। दाल गाढ़ी होने तक हमें पका लेना है, इसमें 10 मिनट लगेगा। बीच बीच में हमें चलाते रहना है धीरे से, कोई टिक्कियाँ नहीं टूटनी चाहिए, ऐसे सावधानी से चलाएं। एक और मैंने पहले से ही दाल की दुल्हन की रेसिपी शेयर करके रखी हुई है, आप ज़रूर उसे चेक करें, थोड़ी सी अलग रेसिपी है, उसे भी ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है वो भी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है पकाते हुए, देख सकते हैं दाल गलने लगा है, जो पानी और दाल अलग था एक साथ मिलने लगा है और टिक्कियाँ भी अच्छे से पकने लगी है। दाल और उसकी दुल्हन दोनों तैयार है, अब तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल में एक चौथाई टेबलस्पून जीरा पकाया हुआ है। जीरा का थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे, उसके बाद इसमें कटी हुई लहसुन की कलियाँ डालेंगे, दो से तीन। सरसों तेल की जगह चाहे तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। हींग डालेंगे इसमें एक चौथाई टेबलस्पून। लहसुन का भी यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। लास्ट में एक लाल मिर्च मैं यहाँ डाल रही हूँ, थोड़ा सा तीखा फ्लेवर के लिए। तड़का तैयार है,
दाल में हमें डाल देना है। तड़के को मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा है, कभी कभी सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी लगता है। तड़के को अच्छे से मिला देना है हमें। दाल की दुल्हन यहाँ पे तैयार है। 15 से 20 मिनट में कंप्लीट फूड तैयार है आपके सामने, हेल्दी भी साथ में टेस्टी भी, बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप चाहे तो इसके साथ अचार, पापड़, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो आप खा सकते हैं। देखने में है ना सुंदर, दाल और साथ में इसकी टिक्कियाँ, बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आसान लगा हो, तो मेरी इस वीडियो को आपको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।